करतारपुर से कपूरथला रोड पर पड़ते गांव दित्तू नंगल में सड़क किनारे बनी झुग्गियों में अचानक आग लग गई, जिस कारण 40 मजदूर परिवारों के 150 पारिवारिक सदस्यों को घर से बेघर होना पड़ा है। आगजनी में 40 के करीब झुग्गियों सहित उनमें पड़ी कई क्विंटल गेहूं, चावल, मक्की, राशन का बाकी सामान, कपड़े, बर्तन, हजारों रुपए की नकदी, बैटरियां, सिलाई मशीनें, 9 साइकिल और 2 मोटरसाइकिल कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गए। वहीं आगजनी के बाद मजदूर परिवार अपने बचे हुए सामान की तलाश करते हुए नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब के राज्य प्रेस सचिव कश्मीर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही उन्होंने इस घटना को प्रशासन के ध्यान में ला दिया था, जिसके बाद नायब तहसीलदार करतारपुर और स्थानीय पुलिस कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और रिपोर्ट तैयार करने में लग गए। तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देरी से पहुंची, जिन्होंने बुझी हुई आग पर पानी डाला। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित मजदूर आनंदी सिंह दविंदर बन ने लोगों ने बताया कि वह धान की बुआई करने के लिए इधर उधर गए हुए थे कि दोपहर को उन्हें सूचना मिली कि झुग्गियों में आग लग गई है। अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि साथ रहते लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से हिम्मत जुटाकर 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस मौके पर कश्मीर सिंह ने सरकार से मांग की है कि इन मजदूरों के पुनर्वास के लिए तुरंत प्रबंध किए जाएं और इन्हें बनता मुआवजा दिलवाया जाए। करतारपुर से हलचल के लिए गगन की रिपोर्ट। हम लोग जो पाजी काम पे थे, कैसे लग गया पता नहीं, हम लोग को पता नहीं चला। हम लोग सब काम पर था, मर्दाना यार, लेडीज मर्दाना सब, बच्चे बुच्चे था, कैसे लगा नहीं लगा ये मुझे मालूम नहीं है। तो आपको कैसे पता चला कि झुग्गी पर आग लग गया? हमको पता चला कि जो हाँ जब फोन गया ना खेत में, उसके बाद नियाना बोला तब फिर वहाँ से आ गया हम लोग। को बच्चे का नुकसान तो नहीं हुआ किसी नहीं का? जी नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ जी। सारा सामान सब पैसा कौड़ी और रेडी गाड़ी घोड़ा खाने पीने वाला वस्त्र यार ये सब सारा सामान मेरा जल गया जी।